brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. क्या आखिर खूबी है मोदी जी में? मोदी जी में हर चीज खूबी है, क्या खूबी नहीं है जी? यहाँ से लेकर इंटरनेशनल लेवल पर भी पूरा खूबी है। अब तक का कोई भी प्रत्याशी हो, लेकिन इस बार प्रत्याशी जीत रही है हीना साहब। हीना साहब कोई हराने वाला नहीं है, निर्दलीय प्रत्याशी जीतेंगी। ये केंद्र में मोदी जो है अच्छा काम करते हैं, वो रहेंगे, लेकिन यहाँ के लिए हम लोग हीना साहब को देखें। लगातार बिहार तक की टीम बिहार के अलग अलग जगहों पे जा रही है और हम लोगों तक पहुँच रहे हैं और यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार जनता का मूड और मिजाज क्या है। हमारी टीम पहुंची हुई है बिहार के सिवान जिले में और अभी हम मौजूद हैं गुठनी के डरेला गांव में। आप देख सकते हैं चाय के दुकान पे मौजूद हैं कई यहां पे बुजुर्ग युवा, ये तमाम लोग यहां पे मौजूद हैं। इन्हीं लोगों से थोड़ा जान लेते हैं कि सिवान का क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ मिजाज है। बताइए क्या कुछ माहौल है यहाँ का चुनाव का, बताइए। बहुत क्या मिजाज? बहुत अच्छा माहौल है और जिसको वोट पाना है वो तो खुल कर पाएगा। किसी का पार्टी का किसी के दबाव में वोट देने वाला नहीं है। जिसको जहां अच्छा लगेगा वहीं पर वो वोट देने वाला है। क्या मुद्दा, किन मुद्दों पे आप लोग वोट करेंगे यहां पे? हम लोग तो सबसे बड़ा यहां पर मुद्दा है कि अगर ऐसा तारीफ पी के जाएंगे तो यहां पर अभी प्रशासन पकड़ लेगा। 5,000 रुपया देने के बाद फिर घर पर आएंगे हम लोग। तो हम ऐसा सरकार क्यों लाएंगे? हम अच्छा सरकार लाएंगे कि जो हमारे लिए सुरक्षा कर सके। जी तो क्या मतलब कि मोदी के साथ है आप लोग या फिर लालू जी के साथ या फिर निर्दलीय के साथ? देखिए यहाँ पर पार्टीवादी कोई नहीं है। यहाँ पर जिसको मर्जी उसको वोट हम दे सकते हैं। हम किसी पार्टी का नाम नहीं रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो हम इसलिए किसी का नाम नहीं रखेंगे, जहाँ मर्जी जहाँ वोट दे सकते हैं। आखिर किसी ना किसी को तो पसंद करते हैं। वो तो अपना मन का भावना है, नाम नहीं धरेंगे। मतलब कि सरकार से थोड़ा सा नाराज है आप? व्यवस्था से? व्यवस्था तो हमारे यहाँ बहुत गंदा है, बहुत ज्यादा गंदा है। अच्छा जी, गंदी व्यवस्था जी? क्या 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 गंदी व्यवस्था? मानिए कि अभी हम लोग बॉर्डर से क्रॉस करके जाएंगे तो कोई पुलिस वाला आएगा, भाई क्या लिए हो, गाड़ी वाहन चेक करो, पेपर चेक करो। पेपर तो जाए वाहन चेक करो, दारू पिया है क्या तूने? अभी कुछ लोग है, बताइए आप, बताइए क्या मुद्दा होगा यहाँ का? हमारा मुद्दा विकास और बीजेपी। विकास और बीजेपी मोदी जी के साथ? मोदी जी के साथ। क्यों आखिर मोदी जी के साथ है भाई? राहुल गांधी भी हैं और बहुत सारी निर्दलीय लोग भी हैं यहाँ। ऐसा नेता बीजेपी जैसा, मोदी जैसा नेता कोई है ही नहीं। हाँ अभी ना है ना होगा, कोई ना है ना होगा। क्या आखिर खूबी है मोदी जी में? मोदी जी में हर चीज़ खूबी है, क्या खूबी नहीं है जी? यहाँ से लेकर इंटरनेशनल लेवल पर भी पूरा खूबी है जी। बिना हवा का थोड़ी है, पूरा देश में जाइए विदेश में जाइए, मोदी बस 400 पार। तो यहाँ का माहौल मतलब कि माहौल एक तरफा है बीजेपी बस, सिवान का बस। अच्छा चचा, आप बताइए क्या, आप लोग तो भाई बुजुर्ग है, कई चुनाव को आप लोगों ने काफ़ी करीब से देखा है, क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ चुनावी माहौल है? बीजेपी के दे ले जा। अच्छा, बीजेपी के साथ आप लोग? क्यों, बहुत सारी पार्टियां हैं, निर्दलीय भी हैं यहाँ पे, क्यों वो को हम निकल जहाँ बन जाता है रहा। जहाँ है वहीं पे है, वहीं पे। मतलब आखिर क्या चीज है कि कुछ तो आपने सोचा होगा ना, क्यों आखिर क्या कारण है इसका जी, क्या कारण है? जहाँ विकास हो जहाँ काम होता है ना वोट दे। अच्छा, अच्छा। और क्या, तो विकास मतलब कि मोदी जी विकास कर रहे हैं जैसे कि आपका? तो और का है ना, खाली हमारा राज करिए, देश के करता है तो सब बोल। बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं भाई, क्या माहौल है, क्या मूड है, क्या? हम तो यही चाहेंगे जो बीजेपी का लोग सब दुनिया जिता रहा है तो बीजेपी का ही जिताइए। हाँ बीजेपी का ही जिताइए। अच्छा, इस बार और 5 साल देख लिया जाए बीजेपी को। 10 साल तो लोगों ने देख लिया और आंसू को रो भी लिया। अच्छा, लेकिन फिर भी बीजेपी मन में है। लेकिन सिवान में तो कहा जा रहा है भाई महागठबंधन से पूर्व अध्यक्ष जो बिहार विधानसभा के रहे हैं और बिहारी चौधरी भी हैं और मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हीना साहब भी हैं और एक कोई जीवन यादव भी हैं, वो लोग भी चुनावी कई महारथी चुनावी मैदान में हैं सिवान के, तो क्या होगा भाई? पब्लिक इस बार अंधा हो गया है, खाली बीजेपी बीजेपी बस बीजेपी। आखिर क्यों, क्या कारण, क्या मानते हैं? कारण यही है कि मतलब सब सुविधा भी दिए हैं, लोगों को राशन डबल कर दिए हैं, खेती का जो है वो भी मंथली 6 महीने के बाद आ रहा है, सब आ रहा है, मिल रहा है ना, ऐसा नहीं ना कि हवा हवाई है। नहीं मिल रहा है जब भी तो पब्लिक पीछे पड़ी है। चलिए कुछ और लोग यहाँ पे हैं डरेली मठिया में, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? डरेला बाजार, आप पत्रकार बंधु को बार बार हमारे तरफ से प्रणाम। हमारा गांव आपके आने से धन्य हो गया क्योंकि हमारी आवाज़ आप लोग कहीं दूर तक पहुंचाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए आपका बार बार धन्यवाद। लेकिन कहने का मतलब हमारा यह है कि हमारे यहाँ कोई प्रत्याशी जीत कर जाता है तो हमारे गांव की तरफ ध्यान ही नहीं देता है। अब तक का कोई भी प्रत्याशी हो, लेकिन इस बार प्रत्याशी जीत रही है हीना साहब। हीना साहब कोई हराने वाला नहीं है, निर्दलीय प्रत्याशी जीतेंगी क्योंकि शहाबुद्दीन साहब जब थे सांसद
तो विकास की गति इतनी तेज बढ़ी थी कि हम एक बार गए थे जयपुर तो वहाँ के वकीलों ने पूछा कि आपके यहाँ शहाबुद्दीन बहुत बड़े डॉन है। तो कुछ लोग बता रहे हैं, कुछ लोग क्या, कई लोगों से बातचीत हुई वो लोग तो बीजेपी की बात बता रहे हैं। भैया ऐसा है, जहाँ जिस प्रकार के लोग मिलेंगे आपको, जैसे मान लीजिए कि कोई किसी से डर करके भी बोल देता है किसी पार्टी का नाम, हम लोग डरने वालों में के नहीं है, जो जीत रहा है उसका नाम बता रहे हैं, विकास के नाम पर हीना साहब और महागठबंधन और बीजेपी, ये जेडीयू, ये लोग महागठबंधन और बीजेपी। देखिए बीजेपी का केंद्र में जो सरकार है, मालूम मोदी जी जो काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो जितने प्रत्याशी खड़ा हुए हैं कोई उस लायक नहीं है। यदि लायक होता तो सारे लोग एक मुश्त इकट्ठा होकर के एक आदमी को मत देते अपना और विजयी बनाते, लेकिन यहाँ कोई प्रत्याशी उस लायक है ही नहीं। इसका मतलब कि आप लोग मतलब निर्दलीय, आप निर्दलीय हैं। बताइए क्या होगा। जी, बात सही है, बात जो कह रहे हैं कि केंद्र में मोदी जो है अच्छा काम करते हैं वो रहेंगे, बाकी यहाँ के लिए हम लोग हिना साहब को देखें। अच्छा जी, और भी कुछ लोग हैं, थोड़ा सा उन लोगों से भी बात कर लेते हैं। बताइए क्या होगा इस बार, जनता का मूड और मिजाज क्या है, आप लोग क्या सोचे हैं इस बार, क्या करेंगे, 25 तारीख को चुनाव है। हम लोग तो यही सोचे हैं कि विकास चाहिए हम लोग का, प्रशासित विकास कौन करेगा, आप ही लोगों ने चुनना है, चुनना है तो वो प्रशासित है वो ना, हिना साहब है हमारे, वो हमेशा हमारी मदद। यहाँ पे बीजेपी से भी लोग है और महागठबंधन से भी है, उन लोगों की क्या स्थिति रहेगी। उनका भी तो अच्छी होना चाहिए, लेकिन हमें हिना साहब से मतलब है। अच्छा, अच्छा। उन्हें हमें विकास बहुत करें। चलिए कुछ युवा साथी हैं, एक मिनट, कुछ युवा साथी हैं भाई, आप लोग वोट देते हैं या देंगे, पहली बार बताइए। हम चुनाव से बहुत दूर रहते हैं। नहीं वो एक मिनट, अरे युवा हैं भाई, देश के आप भविष्य हैं, क्या वोट दिए हैं कभी कि देने वाले हैं? देने वाले हैं। देने वाले हैं जी। क्या पहली बार देंगे या? पहली बार देंगे, तो कुछ तो उत्सुकता होगी, पहली बार देंगे तो भाई हम देंगे, कुछ चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में कुछ हो, आखिर तो कुछ आपने सोचा होगा ना कि ये जो अच्छा करेंगे वैसे लोगों को हम लाएंगे, तो क्या सोचे हैं? वही देखा जाएगा, जो जिसको ज्यादा वोट पड़ेगा उसके हिसाब से वोट करेंगे। कैसे लोगों को आप चाहते हैं, क्या कुछ करें जो लोग चुन करके आए? वही जो भी विकास करेगा उसके आदमी साथ देगा और क्या। जी जी।